सोलन में एनएसयूआई द्वारा रोष रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष तुषार सतान की अध्यक्षता में हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि हिमाचल में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षण संस्थान अपनी डिग्रियां सब्जियों की तरह बेच रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा ग्रहण कर मेहनत से डिग्री हासिल करने वालों में भारी रोष है। सोलन में एनएसयूआई द्वारा रोष रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष तुषार सतान की अध्यक्षता में हिमाचल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि हिमाचल में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षण संस्थान अपनी डिग्रियां सब्जियों की तरह बेच रहे हैं, जिसके चलते शिक्षा ग्रहण कर मेहनत से डिग्री हासिल करने वालों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास निजी विश्वविद्यालयों के गड़बड़ जालों की पूरी सूचना होते हुए भी वे कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार सतान ने कहा कि हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालय करीबन 5 लाख डिग्रियां बेच चुके हैं, जिसकी जानकारी यूजीसी ने प्रदेश सरकार को दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार खामोश रही, जिससे साबित होता है कि भाजपा सरकार ने जहां हिमाचल को ऑन सेल कर दिया है, उसके बाद उन्होंने डिग्रियों को भी ऑन सेल लगा दिया, जो विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है, जिससे वे कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों की मान्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए, ताकि इस विषय में कालाबाजारी ना हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की बजाय शिक्षा सस्ती करने की जरूरत है। ने देखा होगा कि 18 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोली गई है, और जिसमें से 9 तो जिला सोलन में ही खोली गई है, और जिला सोलन में भी एक जो निजी विश्वविद्यालय है वो भी फर्जी डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं, और एक हमारे शिमला में भी एक निजी जो विश्वविद्यालय है वो भी फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं, और दोनों ही जो ये विश्वविद्यालय हैं, निजी विश्वविद्यालय हैं, ये भाजपा सरकार के कार्यकाल में खुले थे। 2007 में खुला था और एक 2012 में खुला था, और 2012 के अंत में हमारी कांग्रेस की सरकार आई थी, और 2012 के स्टार्टिंग में ही ये विश्वविद्यालय खोले गए थे। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो ये फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका सारा जो काला धंधा चल रहा है ये भाजपा के थ्रू चल रहा है, और भाजपा के इसमें कई लोग सम्मिलित भी है ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि अभी तक भाजपा सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हम आज एनएसयूआई यूनिट सोलन इसके माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, जो ये शिक्षा के नाम पे कालाबाजारी हो रही है, इन जैसे विश्वविद्यालयों को, निजी विश्वविद्यालयों को इनकी मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाए। ये हमारी राज्यपाल महोदय से मांग रहेगी कि इन विश्वविद्यालयों की जो मान्यता है वो तुरंत रद्द कर दी जाए, ताकि ऐसी कालाबाजारी ना हो दोबारा इस विषय में, और इस का जो काला पैसा सीधा जो है वो सरकार के ठेकेदारों को जा रहा है, और इससे पूरी कालाबाजारी चल रही है। जयराम सरकार जी ने तो हिमाचल बेचने का जो है वो ठेका ले रखा है कि वो पहले हिमाचल बेचने निकले थे, और अब जो है वो शिक्षा को बेच रहे हैं, और इससे जो है वो पैसा कमा रहे हैं। मैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, शराबें सस्ती हो रही है, शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब शराब तो सस्ती कर रहे हैं पूरे हिमाचल में, शिक्षा की फीस भी कम से कम माफ कर दी जाए, गर्ल्स के लिए ही माफ कर दी जाए, और जो हमारे सरकारी इंस्टीट्यूट है उसमें फीस थोड़ी कम कर दी जाए। ये भी हमारी मांग रहेगी माननीय जयराम ठाकुर जी से, जो उन्होंने ये शराब सस्ती करने का निर्णय लिया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप इसको सोचें। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।